हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्री फार्मेसी ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने सॉलिड को दो प्रकार में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यह दिखाया गया है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है, और इन अमरफस सॉलिड द रेगुलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो अमरफस सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिगर है। इसमें आप देख रहे होंगे ये पार्टी एक गोल गोल हैं जो ये पार्टिकल्स हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक फिक्स डिस्टेंस पर ये पार्टिकल एक दूसरे के आगे जुड़े हुए हैं, मतलब इनमें जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, और लॉन्ग रेंज मतलब ये लॉन्ग रेंज तक इसका अरेंजमेंट दिख रहा है। थोड़े दूर जाकर इनका अरेंजमेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद इनका अरेंजमेंट फिर वही ऑर्डर में आ जाता है। लेकिन अमरफस सॉलिड में क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज के लिए होता है रेगुलर अरेंजमेंट। देखिए जैसे कि यहाँ पे इसमें इधर तक ही यहाँ पे आ गया हुआ है, शॉर्ट रेंज का ऑर्डर होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि इस क्रिस्टलाइज सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, और अमरफस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड का यहाँ पर मतलब ये है कि फ्रेंड्स, हम अपने घरों में विंडोज़ वगैरह में जो कांच वगैरह लगा रहता है उसको हम करीब 4-5-6 साल के बाद देखते हैं तो उनका जो बेस होता है वो मोटा हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो धीरे धीरे रनिंग करते हैं नीचे की ओर, मतलब धीरे धीरे नीचे की ओर उनका मोशन होता है पार्टिकल्स का, इसीलिए अपन उनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि मेल्टिंग पॉइंट शार्प, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है। इसका मतलब ये है जैसे कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे कि ये सब्सटेंस है, अगर अपन इसको मेल्ट करेंगे तो ये 60 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है कि 60 डिग्री पे ही मेल्ट होना है। लेकिन जो अमरफस सॉलिड अमरफस क्रिस्टलाइन होते हैं उनमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता। जैसे कि कोई सब्सटेंस है उसको कोई वह कभी 30 डिग्री पर मेल्ट हो जाता है और कभी कभी वह 60 डिग्री पर भी मेल्ट नहीं होता, या इनका मतलब ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर के होते हैं, और जो अमरफस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो हम जानेंगे कि एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल लेके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसा कि ये है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा क्रिस्टलाइन में और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। लेकिन अमरफस में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एग्जाम्पल लेके देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर किसी भी जगह देखें अमरफस सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम रहेगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। पॉइंट ये है कि डेफिनेट इन शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है और अमरफस सॉलिड का शेप इनडिफाइनेट शेप होता है। सिक्स पॉइंट ये है कि शार्प एज इफ़ वी कट बाय नाइफ। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प मतलब एक चाकू से काटते हैं तो उसका जो एज होता है वो बिल्कुल शार्प होता है, और अमरफस सॉलिड में नॉट शार्प एज। और इस अमरफस सॉलिड में क्या होता है, उसका जो एज होता है वो शार्प नहीं होता। इसका अपन जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके चलें, जैसे कि हम बर्थडे वगैरह पे केक काटते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो केक कटता है उसका जो दीवार मतलब साइड में जो कटा हुआ है वह सही तरीके का नहीं होता, कुछ अंदर धंसा होता है कुछ बाहर होता है। लेकिन और जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लिए पनीर का, तो जब हम पनीर के पीस को काटते हैं तो उसकी जब हम साइड की दीवार देखते हैं वो बिल्कुल शार्प होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसकी साइड की दीवार होती है वो बिल्कुल शार्प होती है, लेकिन अमरफस सॉलिड में उसकी एज होता है वो शार्प नहीं होता। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसे एग्जांपल है NaCl, क्वार्ट्ज ग्लास, KCl,
ZNS, और हमारे पास सॉलिड के एग्जांपल है रबड़, ग्लास एंड प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।